नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। देश भर में आम चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अपनी ही उलझनों में से उठ नहीं पा रही है। हालत ये है कि हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ही बैकफुट पर है। उन्हें लगता है कि पार्टी वर्कर ही चुनाव के लिए तैयार नहीं है, निराश है। उनके इस तरह के बोलने के चलते पार्टी की हालत ज्यादा पतली हो चुकी है। इस सबके बीच यहाँ बीजेपी देश भर में चुनाव के लिए पूरी तरह कूद चुकी है, तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी शिमला पहुंची हुई है। आलम यह है कि इस बार तो प्रियंका भी अपनी ही पार्टी को वोट नहीं देंगी। उसका कारण ये है कि प्रियंका नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर हैं। आप और कांग्रेस में समझौते के तहत ये सीट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चली गई है। यहां से पार्टी ने सोमनाथ भारती को अपना कैंडिडेट बनाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और पुत्र रेहान वाड्रा के साथ लोधी स्टेट इलाके में वोटिंग करती आ रही है। ये इलाका नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में प्रियंका के पास ऑप्शन आम आदमी पार्टी ही बचता है। राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होने हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। 7 सीटों में से आपके पास 4 सीटें नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली आई है। वहीं कांग्रेस के पास चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली आई है। खास बात यह है कि अकेली प्रियंका ही नहीं, गांधी परिवार ही इस बार कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। ये सभी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं।